5.1 आर कॉन्क्वेस्ट, जितने जवाब नहीं दिए उससे ज्यादा तो क्वेश्चन दे गया। आधे से ज्यादा क्वेश्चंस के जवाब तो आर कॉन्क्वेस्ट में ही थे, बट तुम्हें बारीकी से देखना पड़ेगा। बट कुछ मेजर क्वेश्चंस थे कि आखिर सीली रेस का सीक्रेट क्या है, एंड आखिर में भला सीली रेस को क्यों कर्स किया गया, क्या है कैपिटानों का सीक्रेट, एंड भला उसे क्या लेना देना है द शेड ऑफ डेथ रोबोना के साथ, एंड वॉट एग्जैक्टली इज द डिफरेंस बिटवीन द हेवनली प्रिंसिपल्स, द सस्टेनर ऑफ हेवनली प्रिंसिपल्स एंड द फोर शाइनिंग शेड। ये टॉपिक के बारे में तो किसी दिन और बात करेंगे, एंड एज यू नो मैं ये नए टाइप का वीडियो ट्राई कर रहा हूँ विच इज बेस्ड ऑन गेंशिन लोर, सो अगर इस पे अच्छा रिस्पॉन्स आता है तो फिर मैं इसे आगे जरूर कंटिन्यू करूंगा। बट टूडेज टॉपिक इज रिवॉल्विंग अराउंड द फेक स्काई। आखिर ये फेक स्काई क्या है एंड ये क्यों है, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट। टू आंसर दैट क्वेश्चन कि आखिर में ये फेक स्काई क्या है, लेट स्टार्ट विद द क्वेश्चन कि आखिर हेवनली प्रिंसिपल्स कौन है। द मोस्ट प्रोमिनेंट आंसर अबाउट द हेवनली प्रिंसिपल्स ये है कि मे बी हेवनली प्रिंसिपल्स एक्चुअली में फेन्स है, एंड अगर तुम फेन्स को नहीं जानते तो मे बी तुम उसे उसके दूसरे नाम से जानते हो, द प्राइमोडियल वन, अ प्रोजेनिटर गॉड हेलिंग फ्रॉम बियॉन्ड द स्टार। ऑब्वियसली दैट वॉज अ डाउट रेफरेंस, बट कमिंग बैक टू द पॉइंट, फेन्स एक अंडे से जन्मा था, एंड मे बी उसने सेम अंडे का कॉन्सेप्ट यूज किया इस वर्ल्ड के अराउंड एक बैरियर बनाने के लिए। बैरियर क्यों बनाया? वेल मोस्ट लाइकली फॉर द रीजन ऑफ प्रोटेक्शन, बट प्रोटेक्शन किससे? वेल कई सारी चीजें हैं जिससे टिवेट को प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, एंड द मोस्ट प्रोमिनेंट वंस आर द अबिस, सिनर्स एंड द अदर क्रिएचर्स लाइक द ऑल डिवाउरिंग नारवॉल। द ऑल डिवाउरिंग नारवॉल एक ऐसा ही क्रिएचर था जो कि द सिनर सर्टोलॉजी का पेट था, एंड ऑल डिवाउरिंग नारवॉल एक्चुअली में काफी बड़ा खतरा था। वो एक्चुअली में एक प्लैनेट के सारे रिसोर्सेज को कंज्यूम कर जाता था उसे तबाह करने के पहले, एंड जैसे ही सारे रिसोर्स को वो कंज्यूम कर लेता वो उन प्लैनेट्स को बर्बाद होने के लिए छोड़ देता एंड दूसरे प्लैनेट के लिए चल देता। ऐसे कई सारे अनगिनत खतरे हैं अबिस के अंदर, एंड टू वेरी वेल प्रोटेक्ट द लैंड दैट द प्राइमोर्डियल वन क्रिएटेड, अपने ही क्रिएशन को बचाने के लिए उसने मे बी ये प्रोटेक्टिव शेल यूज किया। मे बी जस्ट लाइक द सिमिलर कॉन्सेप्ट कि जैसे एक एग शेल उसके अंदर के कंटेंट को सेफ रखता है, सेम वे में भी उन्होंने एक फेक स्काई का कॉन्सेप्ट निर्माण किया होगा, एक फेक स्काई जो कि टिबैट को सेफ रखे। बट लेट्स जस्ट अज्यूम कि ये फेक स्काई एक्चुअली में प्रोटेक्शन के लिए नहीं, बट अगर हमें अंदर रखने के लिए बनाया गया था तो फिर भला एक्सटर्नल वर्ल्ड जैसे कि अबिस एंड कोई दूसरे प्लैनेट में से कोई आया क्यों नहीं? एंड अगर तुम्हें नहीं पता तो फिर जस्ट लाइक हम अर्थलिंग सोचते हैं कि हम अकेले नहीं है इस यूनिवर्स में, मे बी कोई और हो सकता है, हो यूनिवर्स के अंदर ही टिवैट इकलौता प्लैनेट नहीं है, और भी कई सारे प्लैनेट्स हैं। बट अगर इतने सारे प्लैनेट्स हैं तो फिर ये आज तक भला कांटेक्ट क्यों नहीं कर पाए, या फिर शायद कोई कांटेक्ट कर चुका है? इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें होयोवर्स के दूसरे गेम होंकाई स्टार रेल में जाना पड़ेगा। उस गेम में गेंशिन इंपैक्ट एंड टिवैट के बारे में बहुत सारे रेफरेंसेस हैं, एंड सबसे बड़ा रेफरेंस तो है हर्टा स्पेस स्टेशन के अंदर विंड ग्लाइडर का होना, विच मीन्स कि हर्टा कभी ना कभी तो टिवैट जरूर आई थी, एंड आई थी तो उसने जरूर मॉन्स्टार्ट को विजिट किया है। एंड आफ्टर द 5.1 आर कॉन्क्वेस्ट जब हमने फेक स्काई देख लिया है, एंड चाहे उसे कोई भी डिस्ट्रॉयड प्लैनेट कह लो या मून कह लो, ये जो डिस्ट्रॉयड प्लैनेट है ये काफी ज्यादा सिमिलर है HSR के इंट्रो स्क्रीन से। Aside from that, एक और थ्योरी भी है जो इसे सपोर्ट करती है। वो ये है कि हर्टा ने कभी ना कभी तो टिवैट को विजिट किया है, एंड मे भी उसने हेल्प किया है एडवेंचरर्स गिल्ड के लोगों को बनाने में, जो कि एक्चुअली में टिवैट हो सकता है अगर हम उसे HSR के इंट्रो स्क्रीन से जोड़ दे तो। ऑल्सो देयर इज अनदर थ्योरी कि हर्टा मे भी एक हेक्सन सर्कल विच हो सकती है। एक हेक्सन सर्कल विच है जिसे इंटरप्लैनेटरी ट्रैवल करना बहुत ज्यादा पसंद है, एंड देयर इज अ वेरी गुड थ्योरी एंड अ वेरी गुड रिलेशन कि वो मे बी हर्टा ही है, क्योंकि एक्चुअल हर्टा को भी HSR के अंदर आज तक किसी ने नहीं देखा है। एंड दिस फर्दर सपोर्ट्स द थ्योरी कि मे बी हर्टा एक्चुअली में कोई ऐसी कैरेक्टर है जो दोनों वर्ल्ड्स के बीच में आते जाती रहती है। नाउ टॉकिंग अबाउट हेक्सन सर्कल, क्ली की मॉमी एलिस ने भी ये मेंशन किया है कि टिवैट के बॉर्डर्स वीक होते जा रहे हैं। टू बी एक्यूरेट वो ये कहती है कि टिवैट्स बॉर्डर्स हैव ग्रोन फ्रैजाइल दीस पास्ट 2 इयर्स, लुक्स लाइक मॉमी इज गोइंग टू बी हैव टू गेट बिजी। अगर ये सच है तो फिर क्ली की मॉमी बहुत कुछ जानती है अबाउट टिवैट, शाइनिंग शेड्स एंड प्राइमोडियल वन। नाउ इफ वी टेक एन एक्यूरेट लुक एट द डायलॉग, तो एलिस कहती है कि टिवैट के बॉर्डर्स पिछले 2 साल से वीक होना स्टार्ट हुए हैं, एंड गिवन द कंडीशन कि ये डायलॉग 1.4 वर्जन के दौरान था, एंड रफली कैलकुलेटिंग गेम टाइम, दिस इज एग्जैक्टली द टाइम जब हमारा ट्रैवलर अपने नींद से जागा था। एंड फॉर दोज ऑफ यू वंडरिंग कि ये डायलॉग कहाँ है, दिस इज नॉट एन इवेंट डायलॉग, ये डायलॉग एक विंड ग्लाइडर के साथ लिंक्ड है। नाउ जैसे कि एलिस भी जानती है कि टिवैट के स्काइज एक्चुअली में बॉर्डर है एंड इट एक्चुअली कीप्स एवरीवन इनसाइड, तो तब भी एलिस इस बॉर्डर को क्यों मेंटेन करने देती है जबकि उसकी खुद की बेटी भी इस बॉर्डर के अंदर है? द मोस्ट ऑब्वियस आंसर ये है कि ये बॉर्डर एक्चुअली में प्रोटेक्ट कर रहा है। नाउ दैट जब हमने 5.1 आर कॉन्क्वेस्ट के अंदर देख लिया है कि टिवैट के बाहर की दुनिया का क्या हाल है,
द मोस्ट ऑब्वियस आंसर इज दैट द यूनिवर्स इज डाइंग। एलिस की ही एक फ्रेंड है ऑक्टेविया, एंड उसने कहा है कि पूरा यूनिवर्स मर रहा है। चीजें पीक हुई थी बट बुरी होने के लिए और देर नहीं लगेगी। टू बी स्पेसिफिक वो कहती है द एंटायर कॉस्मोस इज गोइंग टू डाई सून, थिंग्स पीक्ड बट नॉट लॉन्ग अगो एंड आर अबाउट टू गो साउथ वेरी वेरी फास्ट। आई मीन दिस इज रियली अ पॉइंट टू बी कंसर्न विद। ओके वो आगे कंटिन्यू करती है, मेनी स्टार्स अक्रॉस द कॉस्मोस हैव गॉन आउट, आई डो नॉट नो हाउ मच टाइम इज लेफ्ट, ऑक्टेविया सेड, सो आई वॉन्टेड टू कम बैक टू सी यू। नाउ जस्ट लुक एट दिस ब्रोकन स्काई एंड थिंग्स बियॉन्ड इट, द यूनिवर्स हैज ऑलरेडी स्टार्टेड टू बी डिस्ट्रॉयड, बट वॉट एग्जैक्टली इज दिस मून टाइप थिंग? कुछ लोगों को लगता है कि मे बी ये एक मून सिस्टर हो सकती है, एंड वेल दैट वुड बी अ गुड गेस बट आई एम नॉट सो श्योर अबाउट दैट राइट नाउ। अब जिन लोगों को मून सिस्टर के बारे में नहीं पता, इतना जान लो कि मून सिस्टर्स सीली रेस के साथ उनके टाइम में कोएग्जिस्ट करती थी, एंड इनका नाम है आर्या, सोनेट एंड कैनन। इवेंचुअली टेबैट के पास तीन मून्स थे एंड ये जोंगली से भी ज्यादा पुराने थे। इनफैक्ट ये इतने पुराने थे कि तब तो लियुवे भी नहीं बना था। यहाँ पे मैंने जोंगली का नाम इसलिए लिया क्योंकि वो वन ऑफ द ओल्डेस्ट कैरेक्टर है गेंशिन इंपैक्ट के अंदर। जोंगली इज इफ नॉट मोर बट 6000 ईयर्स ओल्ड। तो अगर ये तीन इतनी ओल्ड टाइम से थी तो ये गई कहाँ और क्या हुआ इन्हें? द आंसर इज द सेकंड डिसेंडर। सेकंड डिसेंडर ने एक दिन सोचा कि चलो प्राइमोर्डियल वन पे अटैक करते हैं, एंड उसने चारों ओर तबाही मचा दी। इस वजह से तीनों मून सिस्टर्स को एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़ा एंड इवेंचुअली अलग हो गए। हालांकि तीनों अलग हो गए इसका मतलब ये नहीं था कि तीनों मर गए। अगर आप मून पियर्सर कोलाम का डिस्क्रिप्शन पढ़ोगे तो फिर वहां लिखा है तीन में से दो मून व्हील्स शैटर हो गए, रेफरिंग टू द टू आउट ऑफ द थ्री मून सिस्टर्स, एंड जो थर्ड सिस्टर बची थी वो अपना पैलेस कभी छोड़कर बाहर ही नहीं आई। कुछ टाइम बाद वो दो डेड मून का रिमेन्स अर्थ पे गिरा, एंड तब तक गॉडेस ऑफ वेजिटेशन बेसिकली डेंड्रोआर्कॉन रुख देवता ने तब तक डेजर्ट में फॉरेस्ट को ऑलरेडी क्रिएट कर दिया था। सो इस डिस्क्रिप्शन की बदौलत ये कहा जा सकता है कि हमें जो उस ओरिजिनल स्काई में देखा था वो कोई मून गॉडेस या मून सिस्टर नहीं थी, क्योंकि जब दोनों भी मून सिस्टर्स मरी थी और उनके रिमेन्स अर्थ पे गिरे थे तब रुख देवता रूल करती थी, एंड इस कैलकुलेशन से उस ओरिजिनल स्काई में कोई मून तो नहीं हो सकता क्योंकि रुख देवता बहुत टाइम पहले ही रूल करती थी, नहिरा के भी पहले, अनलेस कि ये एक्चुअली में थर्ड मून सिस्टर हो सकती है जो मर गई है, एंड मे बी इसे कवर अप करने के लिए ही फेक स्काई को क्रिएट किया गया है, विच टेक्निकली कैन नॉट बी ट्रू क्योंकि ये फेक स्काई उससे भी पहले से है। And there are many more countless other theories like that. Well, मैं एक वीडियो में तो सब कुछ नहीं कवर कर सकता, बट अगर तुम चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं तो फिर भाई प्लीज वीडियो को लाइक कर दो एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मैं दूसरे टॉपिक पे भी वीडियो बना सकता हूँ, लाइक द नाबालिका का थ्योरी कि वो एक्चुअली में कैसे सीली प्रिंसेस थी एंड एक्चुअली रुख देवता को कैसे डेंड्रोआर्कॉनशिप फोर्सफुली लेना पड़ा जबकि उसका मन भी नहीं था, एंड ऐसे भी कई सारे और टॉपिक्स है जिसके ऊपर मैं वीडियो बना सकता हूँ। एंड तुम जानते हो मैंने फर्स्ट टाइम ऐसा कुछ ट्राई किया, सो आई एम अज्यूमिंग कि काफी अच्छा सपोर्ट आ जाए, एंड अगर आता है तो फिर आई विल कीप मेकिंग सच टाइप ऑफ वीडियोस। एंड अगर तुम्हारे पास खुद का कोई थ्योरी है तो फिर प्लीज कमेंट में बताओ। अगर वीडियो में कुछ इंप्रूवमेंट चाहते हो तो प्लीज लेट मी नो, आई विल ट्राई टू इंप्रूव। एंड अगर तुम्हें इस तरह के थ्योरी वीडियोस और पसंद हैं तो फिर मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू चैनल क्योंकि मैं मे बी इस थ्योरी को आगे और कंटिन्यू कर सकता हूँ। ऑन दैट नोट आई विल बी टेकिंग माय लीव एंड सी यू नेक्स्ट टाइम।